जय श्री राम दोस्तों, आई होप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, बिंदास होंगे। अभी भाई सुबह के 7:30 हो रहे हैं, 7, हाँ 7:30 ही होने वाले हैं। और सीन कुछ ऐसा था कि भाई मैं सोचा चलो संडे है, आराम से सोऊंगा, उठूंगा आराम से, बट क्या करें, आदत पड़ी हुई भाई। और नींद एकदम से जल्दी खुल गया, ठीक है, और जल्दी खुली, फिर मैं भाई कम से कम 6 बजे उठ गया था, तब से सोच रहा हूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। फिर सोचा चलो बाइक उठा के निकलता हूँ, तो क्योंकि सारे तो सोए हुए हैं, ठीक है, और आराम से उठेंगे। संडे का दिन है भाई, अपने या भाई चुन कि अपने को बैठा जाता है एक जगह पे, तो कहीं ना कहीं जाने का मन करता है, अब फिर जा नहीं सकता, ठीक है, तो वही सोचा क्या करूँ। तो हेलमेट पे लगा लिया है एनडी फिल्टर, ठीक है, एनडी फिल्टर लगा लिया, और अपना इंटरकॉम हो रहा है चार्ज, ठीक है, ये अपना इंटरकॉम चार्जिंग में, और यहाँ अपना एनडी फिल्टर लगा हुआ है, ठीक है, गोप्रो में मेमोरी कार्ड लग गया है, एनडी फिल्टर लग गया है। तो अभी क्या सीन है, अभी मैंने जूते डाल लिए हैं, ठीक है, तो सर रहेंगे राइडिंग जैकेट की, राइडिंग जैकेट डालता हूँ, ठीक है, देन राइडिंग जैकेट डाल के बाइक पे फ्यूल अप कराता हूँ, कि टैंक पूरा नीचे आ रखा है, एक डंडिया रहेगी वो फ्यूल अप कराता हूँ, देन उसके बाद निकलते हैं, ठीक है, और कुछ खा लेता हूँ फिर, यार बहुत दूर हो रही है। तो भाई राइडिंग जैकेट भी डल गई अपनी, हो गई अपन रेडी, और ग्लव्स हेलमेट जो चलते हैं सीधा बाहर बाइक के ऊपर, जैकेट डल के जैकेट डाल लेते हैं, और उन्हें कितना टाइम लगता है, बस अब सोच रहा हूँ जाऊँ कहाँ करूँ क्या, तो बाइक के ऊपर बैठ के दिमाग चलाता हूँ, तभी दिमाग मेरा काम करेगा, तो फिलहाल निकलते हैं। सो कैमरा एंगल बिल्कुल सेट हो चुका है, और भाई इन ग्लव्स का ना, बस इन ग्लव्स का तो मुझे यही सर्दी लगती है डालने का उतारने का, जो राइनॉक्स वाले दूसरे ग्लव है ना उनको डालना आसान है, तेल तो मैंने भरवा लिया पूरा भाई, ठीक है, बस एक बार ट्रिप को थोड़ा ज़ीरो कर देता हूँ। अपनी बाइक पता नहीं क्यों एवरेज शो नहीं करती यार, जैसे लोगों की दिखा रही होती है भाई, 27 27 28 28 की, 29 29 30 30 की, इसको पता नहीं क्या मौत पड़ती है। चलो निकलते हैं, गर्मी वैसी बड़ी लग रही है अभी, रुके रुके पूरा जैकेट डाली हुई और अपना क्या कहते हैं ग्लव डाले हुए हैं, तो आज निकलते हैं अपना हाईवे की ओर, क्योंकि हाईवे का मैंने वैसे भी कभी शूट नहीं किया है डोमिनार का अपना, या निकला नहीं हूँ, तो रोड अपने को चाहिए था साफ साफ रोड, सिर्फ है अपना हाईवे पे, क्योंकि आप फिर तो भाई जा ही नहीं सकता। आप फिर तो रोड की बैंड बजी हुई है, तो वही है भाई, मन करता है अकेले निकल जाते हैं, पर आज थोड़ा मैं लेट निकला हूँ, क्योंकि भाई उठा था सोचता रह गया कि शूट करूँ या ना करूँ, करूँ या ना करूँ, जाऊँ कहीं कि ना जाऊँ, तो एकदम मैंने आज चल निकलते हैं यार, घर में बैठ के भी क्या करेंगे, तो इसलिए निकल पड़े। तो अभी तो चंडीगढ़ की गलियों में घूम रहे हैं, मैं जा कर रहा हूँ चंडीगढ़ के रोडों पर, और चंडीगढ़ तो अपना भाई इस टाइम पे थोड़ा खाली रहता है, क्योंकि संडे का दिन है भाई, लोग पूरा फुल ऑन एंजॉय करे, आराम से सोते हैं बढ़िया एकदम, शनिवार नाइट पार्टी करे, और संडे आराम से, और सैटरडे को कहीं भी घूमते हैं और आराम से उठते हैं लोग, बस अभी अपनी है जिनकी आदत बनी हुई है सवेरे जल्दी उठने की, ये जब भूत सवार होता है ना राइडिंग का, बस ये उठा ही देते हैं अपने को। और वैसे भी मैं अगर बताऊं, अब फिर मैं लास्ट मंथ गया था, ठीक है, आ देख लो तारीख क्या हो रही है, तो मैं कम से कम महीना हो जाएगा, 5 10 10 दिन में, 10 दिन में महीना हो जाएगा अगर देखी बात की जाए, 3 हफ्ते हो गए मैं जो लास्ट टाइम गया था फिल्स, और तब से भाई रास्ते बंद ही पड़े हैं, तो कहीं नहीं जा पा रहे ना, मैंने कोई संडे व्लॉग शूट किया ऐसा कुछ, तो बस आज सोचा कि निकलता हूँ बाइक लेके, ऐसे तो रोज़ चला रहे हैं, बट एक कहते हैं ना शूट पूरी फील से निकलना सवेरे सवेरे, वो चीज़ बातचीत होती है कि संडे अपना स्पेशल रहता है। तो चलो चलते हैं डोमिनार के साथ, करते हैं हाइपर राइडिंग,
ठीक है भाई, पता नहीं क्या हुआ गोप्रो को, मैं रिकॉर्डिंग करने लगा एकदम स्टॉप हो गया, फिर शुरू हुआ, फिर अपना रिकॉर्ड ऑफ हो गया, पता नहीं कई बार दौरे पड़ते हैं इसको। तो मैं क्या कह रहा था यार, मैं सोच रहा था कि मैं ट्रायम्फ के शोरूम में जाऊँ, देख के आऊँ कि ट्रायम्फ की बाइक वैसे, और वैसे ऑनलाइन देखा जब स्टार्टिंग में आनी थी तब भी पता था कि बाइक थोड़ी लाइट वेट होगी, ठीक है। बट आपको क्या लगता है कि कौन सी बाइक बेटर है, डोमिनार या ट्रायम्फ? देखिए बाइक का जो पावर है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, सिर्फ ट्रायम्फ का थोड़ा सा टॉर्क ज़्यादा है और बाकी ओवरऑल पावर तो सेम है। बट बात की जाए वेट की, वेट थोड़ा डिफरेंट है, वेट काफ़ी कम है ट्रायम्फ का, ऑलमोस्ट 20 किलो कम है या 20 से ज़्यादा ही कम होगा डोमिनार से, एंड डोमिनार भारी है और डोमिनार का यार स्पीड ट्विन से ज़्यादा व्हील बेस बड़ा भी है, मेन चीज़ वो है, व्हील बेस भी बड़ा है और वेट भी बड़ा है, दोनों चीज़ों में आगे है डोमिनार, वेट और वेट के मामले में और व्हील बेस के मामले में। पर व्हील बेस की वजह से अपने को मिलती है स्टेबिलिटी, बेटर स्टेबिलिटी, ठीक है। और ट्रायम्फ मैंने चलाई नहीं है तो मुझे उसकी कंफर्ट का आइडिया नहीं है, पर डोमिनार का तो भाई अपने को पूरा पता है कि भाई क्या चीज़ है डोमिनार, देख के आएंगे। आपको क्या लगता है कौन सी बाइक बेटर है, ट्रायम्फ या डोमिनार, या दोनों को अलग अलग रखा जाए क्योंकि दोनों सेगमेंट अलग है। तो फिलहाल तो जा रहा हूँ मैं हाईवे की ओर, ठीक है, और वहाँ जाके अपने डोमी को खींचते हैं, ठीक है, क्योंकि भाई कालका हाई शिमला हाईवे पे तो भाई वैसे ही निकल के थोड़ा ऑफिस भी जाके फ़ायदा नहीं, क्योंकि वहाँ पर खचाखच पूरा रश भरा होता है, वहाँ भी ऐसे ही हाल है, बुरे हाल है, तो वहाँ भी जाके कोई फ़ायदा नहीं है, इससे बढ़िया यही मैं निकल जाऊँ और टाइमली वापस भी आ जाऊँगा। और वहाँ पर जाके भी पैसे बर्बाद करने वाली बात है, पेट्रोल बर्बाद करने वाली बात है, क्योंकि है कुछ नहीं है, ठीक है ना, बाइक के मजे ले पाओगे आप, ठीक है, और नज़ारे तो भूल जाओ, एटलीस्ट कम से कम यहाँ पर बाइक के मजे तो ले पाएंगे हम, इसके लिए जाते हैं। भाई आगे हम लुधियाना हाईवे पर, पता नहीं आवाज़ साफ आ रही कि नहीं आ रही थी पहले, क्योंकि भाई विंड ब्लास्ट इतना ज़्यादा है ना, वही दिक्कत है। इस हाईवे में ना यही बात चीज़ है, यहाँ का रोड मुझे बहुत प्यारा लगता है, जो चलाने का मज़ा यार एकदम मक्खन जैसा रोड है वाला, और इस रोड पहले ही मैं काफ़ी बना रखा हूँ। बात की जाए इस हाईवे पे इंटरसेप्टर का, जो मैंने यहीं पर ही टॉप एंड चेक किया था फर्स्ट टाइम जब मैं लुधियाने जा रहा था, क्योंकि लुधियाने भाई आपका भाई जाता रहता है, लुधियाने में है अपना ससुराल तो बात मेन बात तो बता देता हूँ भाई, इस हाईवे पे क्यों आता हूँ बार बार मैं, इसी कारण से, और इस हाईवे का थोड़ा मुझे पता भी है कि क्या कैसा कहाँ पर है, तो इस हाईवे पे मैं भगा लेता हूँ बाइक, नहीं तो हर जगह जहाँ पता रहा वहाँ ही भगाता भाई मैं। आगे से यूटर्न मार के आऊँगा, साइड में चाय की टपल दिख रही है बढ़िया सी, वहाँ रुकूँगा, ये चीज़ अच्छी है डोमिनार की, देखो
तो आ गया यू टर्न, यहाँ से मारते हैं यू टर्न क्योंकि बहुत आगे नहीं जाना मुझको। वैसे तो मैं करते 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 लुधियाना ही पहुँच जाऊँगा भाई। अब भाई देखते हैं इस साइड में कितना फर्क है। भाई आज अपना मन था फुल ऑन हाइपर राइडिंग करने का और अब चला मैं चंडीगढ़ की ओर क्योंकि जगह तो कोई है नहीं है भाई रुकने की, क्योंकि चाय की टपरी भाई अपने को मिली नहीं यहाँ पर कहीं। बस यही जो बीच में कांटे होते हैं ना इन्हीं में बहुत डर लगता भाई, कोई निकल के ना आ जाए। भाई सर मीटर की भाई एक बार वो दिखाऊं कि भाई एवरेज क्या शो कर रही है। देखो फर्स्ट ट्रिप मैंने ज़ीरो करा था। चल हो जा भाई, मेरा ग्लव दूसरा है ना। 17 की एवरेज और चली कितनी है 85 किलोमीटर होने वाली है 300 मीटर बाद, बस होएगी 85। और टाइम मेरे ख्याल से 8:15 हो रहे हैं, मेरे को घर से निकले हुए आधा पौना घंटा ही हुआ है, तो लगा लो आधे पौने घंटे में 84 किलोमीटर। जबकि सिटी पे प्लस हाईवे पे, हाईवे पे मैंने ज़्यादा कवर किया है ठीक है। बस भाई हॉर्न पे हाथ रखा वैसे तो ये उम्मीद ना थी भाई मुझे इससे, मेरे को लगा हद से एवरेज गिर जाएगी पहुंच जाएगी 20 के आसपास, ये तो 17 पहुंच गई भाई। और डंडियाँ ऐसे उड़ी है ना मीटर की भाई, यूँ करके उड़ी है यूँ, इतनी तो कभी उड़ी नहीं। 83 किलोमीटर पर भाई चार डंडियाँ, चार डंडियाँ 83 किलोमीटर पे। और एक्चुअल में बाइक ने 17 की एवरेज दी है डोमिनर ने, 17 की एवरेज। ओ भाई सोचा था आज हाइपर राइडिंग करूँगा कुछ वो नहीं करूँगा, बट ओ भाई कहाँ से धुएँ ट्रक के धुएँ की वजह से हो गया एकदम से। बट जो हिसाब देख रहा हूँ ना मैं कि हाइपर राइडिंग करूँगे डोमिनर पे तो भाई ये एवरेज निकलेगी, डोमिनार बन जाती है सुपर बाइक ठीक है तेल चूसने में। भाई इतना टाइम ना मुझे खड़ हाईवे पे ना डिस्टेंस कवर करने में लगा जितना भाई जिससे ज़्यादा डबल टाइम ना मुझे चंडीगढ़ के अंदर पहुँचने में लगता है भाई। जैसे सुबह होती है ना 8:30 बजते हैं भाई, इतना ट्रैफिक होगा ना चंडीगढ़ में। यहाँ पर पीते हैं चाय बढ़िया सी, भैया लगता है अभी खोला है। ओ भाई गर्मी इतनी ज्यादा लग रही है ना जिस टाइम पे। सो भाई आईटी पार्क में ऑप्शन था मेरे पास चाय पीने का ठीक है, क्योंकि कोई और मैं लास्ट टाइम भी यहीं पर आया था तो अभी चक्कर क्या है कि भाई ऊपर तो पहाड़ियाँ सारी बंद पड़ी हुई है ठीक है। और अगर मैं लुधियाना हाईवे की बात करूँ वहाँ पर तो भाई मुझे कुछ भी नहीं मिला है, तो अभी यहीं पर आया हूँ। लास्ट टाइम भी जब बारिश का मौसम था यहीं पर आया था संडे को, वैसे मॉर्निंग में घर से निकल के चाय पीने के लिए, तो आज भी यहीं पर आया हूँ। तो बाइक पे कल रैप कराया था यार, थोड़ा सा उतरने लग फूलने लग गए आम के, आज दोबारा मुझे जाना पड़ेगा। क्या कह रहा था मैं, हाँ कि चाय पीने आया था यहाँ, चाय पी के देन निकलता हूँ घर। और अभी बज रहे 9 ठीक है, 9 बज रहे हैं और पहले तो चाय भैया को बोला अभी 2 मिनट लगेंगे, उसके बाद देन देखता हूँ घर जाऊँगा, फिर एक आधे काम और है वो निपटाने हैं देन देखता हूँ। एक बस कुत्तों को भी गुड मॉर्निंग अभी हुई है भाई, अभी तक सो रहे थे उठ गए एकदम से। अपनी आ चुकी है तो सीन क्या है भाई, आज है मूवी देखने का प्लान। मूवी कौन सी भाई देखते हैं, अभी OMG 2 देखने का प्लान है। तो अभी तो गर्मी हो गई, 9 बज गए हैं, बस चाय ख़त्म करके निकलता हूँ। डॉन ब्लॉग तो शूट नहीं करूँगा भाई मूवी का आज का, सिर्फ मेन बाइक का था मुझे शूट करने का राइड का कि भाई आज कहाँ अपना लुधियाना हाईवे का।
कि आज भाई फुल ऑन हाइपर राइडिंग करेंगे बाइक पे, और चाय हो गई खत्म। ओए वाला कुत्ता देखा आपने कभी? पूरी लटे निकली हुई है। और भाई अपना यार समझ नहीं आ रहा, संडे इतना बोरिंग हो गया ना, क्योंकि भाई राइडें रुडे सारी कैंसिल हो चुकी हैं, जितनी भी लॉन्ग राइडें हैं हर चीज़ है, तो करे तो बंदा क्या करे, कहाँ जाए भाई, यही मौसम होता है घूमने का, और उस मौसम में भाई लग गए हैं बड़े वाले एल। तो अभी तो बाइक के ऊपर बैठता हूँ, गेयर्स डालता हूँ, देन निकल। तो भाई तैयार होने बड़े टाइम लगता है क्लच को डालने में, क्योंकि फुल गॉन्टलेट है, फुल गॉन्टलेट को डालने में वैसे भी टाइम लगता है। तो अभी भी निकल रहा हूँ मैं घर की ओर, और भाई ब्रेकफास्ट तो घर जाके करूँगा, क्योंकि बाहर मन नहीं था, गर्मी इतनी हो गई है। तो चलो चलते हैं, सेल्फ मारते हैं और निकलते भाई। बस यार यही चक्कर है, लाइटें 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 चंडीगढ़ में। और भाई ने क्या डाला है, भाई ने पूरी अखबार वाली शर्ट डाली हुई है। अबे भाई ओहो भैया, यही होता है फीमेल ड्राइवर के साथ। अब देखो आंटी सोच रही है जाना कहाँ पर है, अभी उसमें स्लो करके। कहीं ड्राइवर अच्छे होते हैं फीमेल ड्राइवर, और कहीं देखो खतरनाक होते हैं, बीच रोड पे खड़े होकर सोच रहे हैं मोड़ते हुए जाना है कहाँ को मेरे को। तो यार आगे पीछे भी देख लो बाकियों ने कहाँ जाना है। तो यार एनडी फिल्टर का मैं दिखाऊंगा जो है कि मैं कौन सेटिंग यूज़ करता हूँ, एक बार रात को भी शॉट लेंगे एक बार ये देख के। इतना पता नहीं मुझे कि यार मैंने एनडी फिल्टर को लेके ले तो लिया है, बट शूट कम किया एनडी फिल्टर से। ठीक है, जैसे आज शूट के मेरे को था कि चल आज हाइपर राइडिंग करते हैं थोड़ी सी। तो बाकी तो गाइस व्लॉग को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ आज का। वो देखो भाई कहाँ से निकल रहे बंदे, ये इन्होंने अलग ही गुफा बना रखी बीच में। यार भैंस की एक बड़ा रिस्की है यार ये, तो सुरंग के नीचे से निकल निकल के बंदे आ रहे हैं। जो क्या कह रहा था मैं, हाँ बाकी तो आज का दिन तो संडे ऐसे ही रहेगा, बस अभी जो चलाना था चला लिया बाइक। तो चलते हैं आज मूवी देखने जाएंगे, OMG 2। और फिलहाल तो भाई शूट करने का ऐसा प्लान है नहीं आज, बाकी आपका भाई लगा हुआ है कि डेली शूट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो बाकी गाइस अभी जाना है घर, तो व्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय श्री राम दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।